के अनुसार वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया जाएगा, वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान का मंदिर बनेगा और उनमें भगवान की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी और आराध्य रूप से उनका आराधना होगा। कब बनेगा स्वामी? ये तत्काल बनेगा। क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा? सबको साथ लेकर बनेगा? कैसे बनेगा? सबको साथ लेकर बनाया जाएगा और कोर्ट से हम अनुरोध करेंगे वो जल्दी इस पर विचार कर ले। क्या सरकार पे भी दबाव बनाने के लिए आज इस संसद में बात हुई? नहीं, सरकार जो है वो स्वयं ही उसको गुमराह कर रही है, नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। अब आप देखिए, वहाँ ये लोग इकट्ठे हुए, किसी ने तारीख बताई? सब लोग पूछने गए थे, भाई हमको तारीख बताइए, कुछ नहीं बताया। वहाँ इकट्ठा किया लोगों को और उसके बाद चले गए। स्वामी जी, आप भी तारीख मांग रहे हैं? आप भी तारीख मांग रहे हैं आज इस संसद से, धर्म संसद का जो है? हम तारीख नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि हम न्याय, हमारा पक्ष जो है न्यायपूर्ण है, हमको न्याय तत्काल मिलना चाहिए। गुरु जी, कुंभ होने वाला है, अभी आपने मंच से कहा कुंभ में भी आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे, तो क्या क्या विषय रहेंगे साधु संन्यासियों की? वहाँ बहुत बड़ी जुटान होने वाली है, राम मंदिर भी वो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चैरिटी एक्ट के द्वारा साधु महात्माओं की संपत्ति का अपहरण करने की साजिश हो रही है, इससे हम समाज को जागृत करेंगे। कुंभ में क्या राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? ये भी रहेगा, सब मुद्दे रहेंगे। तीन दिनों का जो पूरा कार्यक्रम हुआ है उसमें क्या क्या कौन से प्रस्ताव मुख्य रूप से पास हुए हैं? इसका तो हम लोग 2 बजे आपको निष्कर्ष बता देंगे और फिर सबसे ज्यादा साक्षी तो आप हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, आप तो शुरू से देख रहे हैं। स्वामी जी, राम अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा भी था जो अयोध्या में एक राम मूर्ति का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया, आपने कहा कि मूर्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो मंदिर से ध्यान भटकाने और जब भूमि से ध्यान भटकाने। बिल्कुल ठीक है। क्या इन लोगों को भारत में तो असंतोष छाया हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, किसान परेशान है, भारत में आप देखिए हमारे आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, यहाँ पर गंगा की धारा काफ़ी भी दूषित है, कोई भी काम तो ठीक नहीं हो रहा है। और अब चुनाव के दिन आ गए, अब आप चाहते हैं कि भाई जनता सही हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए राम जन्मभूमि मामला उठा रहे हैं। गुरु जी, कुंभ में किन किन अखाड़ों से समर्थन या आपके साथ खड़े होने की बात हुई है? कुंभ एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है। ऐसा है कि हमारे साथ जितने भी संत महात्मा हैं सब खड़े होते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, हमारे लोगों के यहाँ उनसे एक बात पूछ लीजिए कि आप राम को मनुष्य मानते हैं कि भगवान मानते हैं? क्योंकि कुंभ में सरकार, ये पूछ लीजिए आप कि वो राम को मनुष्य मानते हैं कि भगवान मानते हैं, सब यही कहेंगे कि हम भगवान मानते हैं, तो जो मनुष्य मानने वाले हैं उनके साथ कहाँ है? जी, तारीख बताने का, तारीख बताने की बात हमारी है ही नहीं। तारीख तो ये लोग जो हैं इन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया है, कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर है, तो अगर राम मंदिर है तो उनसे पूछ रहे हैं लोग कि अगर आपके मैनिफेस्टो में है तो आप बताइए कब तारीख को बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में तो है नहीं, हम लोगों ने कुछ किया, हम तो ठोस कार्य कर रहे हैं।